फिर चली गोली, किसने लगाई इसकी बोली, किसने किया बलात्कार, क्यों हो जाती है सिस्टम लाचार, सब होगा बेनकाब, नहीं चलेगा अपराध का खेल। देखते रहिए प्रत्येक न्यूज लाइव पर क्राइम सीन। बिहार थाना इलाके के रेलवे स्टेशन के नजदीक से पुलिस ने 50,000 इनामी कुख्यात अपराध कर्मी राहुल यादव को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। डीएसपी इमरान परवेज ने बताया कि इसके ऊपर मानपुर, दीपनगर और गिरियक थाने में कुल 12 संगीन मामले दर्ज हैं, जिनमें 3 हत्या, चोरी, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट और SC/ST एक्ट शामिल है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से यह फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक को मिली इसके रेलवे स्टेशन के समीप होने की सूचना के बाद मानपुर थाना पुलिस टीम ने इसे नाटकीय ढंग से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि यह मानपुर थाना इलाके के गोगरी गांव का रहने वाला है। इसके पकड़े जाने से पुलिस ने राहत की सांस ली है। एक 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है राहुल यादव, जो स्वर्गीय उपेंद्र यादव का बेटा है, गोगरी पर मानपुर थाना जिला नालंदा का रहने वाला। इसके विरुद्ध लगभग 12 केसेस हैं, जिसमें लगभग 3 केसेस में मर्डर केस है, बाकी 379 का केसेस है, चोरी का केस है, आर्म्स एक्ट का केस है, इवन SC/ST का केस है। इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था और आज ये पकड़ा गया रेलवे स्टेशन के पास जो है रियाज शरीफ। काफ़ी दिनों से जो है कि ये भागा फिर रहा था, लगभग 3 साल से इसको खोजा जा रहा है, तो आज जाके इसको पकड़ा गया। इसमें महत्वपूर्ण कांड एक है जो मानपुर थाना कांड संख्या 220 हुई थी, जो 4 जनवरी और 5 जनवरी के बीच की सुबह की बात घटना घटी थी गोगरी पर छबीलापुर में, जिसमें एक संतोष यादव और एक और आदमी उसका जो है कि हत्या कर दी गई थी। तो उसमें खोजबीन चल रहा था और वो पकड़ा गया आज, और लगभग 11-12 केसेस में वो वांटेड था, उसके बाद जेल चला गया। इसमें और लोग भी शामिल हैं, कन्फेशन किया, 3-4 लोग और है, इसके ऊपर भी तलाशी चल रही है, जल्द से जल्द इसको भी गिरफ्तार किया। इसके ऊपर कितनी हत्या और कितनी 3 हत्या के केसेस है और आर्म्स एक्ट का भी है केसेस। मानपुर में लगभग 8 केसेस है, 2 केसेस दीपनगर में है, 1 SC/ST थाने में केस है और 1 गिरियक थाना कांड संख्या में वांछित। कई दिनों से वांछित था, इसकी कुर्की भी की गई थी और ये वांटेड था। इस पर इनाम घोषित किया गया था 50,000 रुपये का, जो पुलिस अधीक्षक नालंदा के कुशल नेतृत्व में इसको पकड़ लिया गया।